जीआरपी पुलिस की आगामी दिवाली व छठ पर्व को संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी हुई है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि दिवाली व छठ का पर्व पूर्वांचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से ट्रेनों में काफी भीड़भाड़ होती है और कई ट्रेनें आ रही हैं, जिसकी वजह से जीआरपी के जवान बाहर से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की चेकिंग करते हैं और वहाँ अपने साथ बॉडी वार्म कैमरा लगाकर जाते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। वहाँ पर लाउड हेलर के साथ हमारी QRT टीम भी मौजूद रहती है, जो कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी अपरिचित आदमी का दिया हुआ सामान का प्रयोग ना करें। इस समय ट्रेनों में काफ़ी भीड़भाड़ है, इसलिए ट्रेन का शेड्यूल देखकर ही यात्रा करें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा करते हैं, वो लोग ऐसा ना करें, इससे दुर्घटना हो सकती है और सबसे ज़्यादा जहर खुरानी से सावधान रहें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, बिल्कुल सही है, ये दिवाली का और छठ का पर्व पूर्वांचल के लिए बड़ा ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण त्यौहार है और ट्रेनों में काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए रात की जो भी ट्रेनें हैं उसको कोशिश ये किया जा रहा है कि सारी की सारी स्पॉटेड हो और जो भी हमारे स्पॉट करने जा रहे हैं वो अपने साथ बॉडी गार्ड कैमरा लेकर के जाएंगे। जो हमारे थाने हैं वहाँ पर लाउड हेलर के साथ हमारी QRT मौजूद रहती है। इसके अलावा हमारी सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफार्म ड्यूटी के लोग भी सक्रिय और जागरूक रहते हैं। उसके माध्यम से भी लोगों को, यात्रियों को जागरूक किया जाता है कि किसी अपरिचित आदमी के दिया हुआ कोई सामान प्रयोग न करें। दूसरी चीज़ कि ट्रेनों में भीड़ भाड़ है तो जनरल टिकट लेकर के एक ही बोगी में इतने लोग न चढ़ जाएं कि जो पहले के लोग बैठे हैं उनको भी असुविधा हो और इनको भी असुविधा हो। प्रायः देखा जाता है कि लोग खिड़कियों के पास जो चढ़ने उतरने का बना होता है उस पर लटक करके यात्रा करते हैं, तो उनसे अनुरोध ये है कि वो लटक के यात्रा न करें और दूसरी ट्रेन का इंतजार कर लें। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन आएगी, आराम से बैठ करके जाएं और जहर पुरानी से विशेष रूप से सावधानी के लिए अपनी टीम को अलर्ट किया गया है। सारे स्टेशनों पर QRT मौजूद रहेगी और प्लेटफार्म ड्यूटी, सर्कुलेटिंग एरिया ड्यूटी और हमारी जो इसको है वो सभी कर्मी जागरूक हैं। कोशिश यही की जा रही है कोई घटना घटित न होने।